गाइस आई हैव अ क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है हमारे कंट्री हाउस में प्रीटीएस्ट कपल कौन है? मैं और माया, शर्त लगा लो, फ्रिज में कुछ खाने के लिए टेस्टी है क्या? थैंक्स मैस्कॉट। माया, तुम्हारा मैस्कॉट बहुत खाता है, देखो कैसे वो खड़ा हुआ तो पूरा का पूरा फ्रिज ढक गया है। मैस्कॉट, तुम फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? उसमें कुछ भी नहीं है। हमने कहा ना, हम तुम्हें बुलाएंगे जब डिनर तैयार हो जाएगा। सॉरी, सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्नैक्स भी होना चाहिए। तुम स्नैक्स में एप्पल खा सकते हो। मैस्कॉट को गाजर पसंद है, पर कंट्री हाउस में गाजर खत्म हो गए हैं। अगर मैस्कॉट को गाजर चाहिए तो वो तहखाने में जाए। बट इट्स डार्क एंड स्केयरी, वहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। सॉरी, पर मैं ये व्हाइट अमेजिंग कॉस्ट्यूम पहनकर कहीं नहीं जाने वाला, ये गंदा हो जाएगा। सफाई का ध्यान रखने वाला। राइट मैस्कॉट, तुम्हें अपने अमेजिंग व्हाइट कॉस्ट्यूम का ख्याल रखना चाहिए। बनी गर्ल्स, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हें एक न्यूज देनी है जो कुछ अच्छी नहीं है। कोच अभी, क्या आप हमें बैड न्यूज मॉर्निंग में दे सकती हैं? इवनिंग में नहीं। हाँ, हम उसके बाद सो नहीं पाएंगे। ये न्यूज वेट नहीं कर सकती। रैम्स ने कंट्री हाउस में एक वोटिंग करने का डिसाइड किया है। सबसे सुंदर कपल के लिए वोटिंग? माया और मैं ही जीतेंगे। नो, ये वोटिंग है कि कौन कंट्री हाउस जाएगा। What do you think? क्या? Yes? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, रैट्स को कुछ लोगों की हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए उन्होंने माइक से अरेंज किया और माइक ने अप्रूव किया। हम अच्छी तरह समझते हैं कि टीचर माइक हमारे टीचर है और रैट्स उनके हेल्पर्स, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं कि वो फैसला करे कि कौन कंट्री हाउस छोड़कर जाएगा। You know, मैंने डिसाइड कर लिया मैं किसके खिलाफ वोट करूंगी, रैट्स के। वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं। मैं भी रैट्स के खिलाफ ही वोट दूंगा। गाइस, आई एम अपसेट यू, लेकिन हम रैट्स के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। वाओ, अगर सबने मिलकर मेरे खिलाफ वोट कर दिया तो मैं कंट्री हाउस छोड़कर नहीं जाना चाहता। अगर हमारे बनी के अगेंस्ट वोट किया तो कंट्री हाउस हमारे बिना कंट्री हाउस नहीं रहेगा। माया, वो हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये हाउस हमारा है, बनीज हाउस। हाँ, बनी पिंक हाउस हमारा है और बनी कंट्री हाउस वो भी हमारा है। बनी लकी है। मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स को निकाला जाएगा, ये एक्चुअली बॉयज के बारे में है, क्योंकि ब्लू हाउस में सब कुछ गंदा पड़ा है। आज तुम्हें नहीं निकाला जाएगा क्योंकि तुम तो पिंक हाउस से हो। यू नो व्हाट गाइस, मुझे लगता है कि ये वोटिंग बिल्कुल बकवास होगी, वोटर्स सारे जाली होंगे। बट फाइन, हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे आखिर ये रैट्स कर क्या रही हैं। डायना, क्या तुम हमें बचाओगी? अगर रैट्स ने कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि रैट्स ने कुछ टेरिबल करने को सोचा है। मे बी अगेंस्ट मी। सो गाइस, गुड लक, आई होप कोई भी कंट्री हाउस छोड़कर ना जाए। हाँ, लक हमारे साथ है। लक विद अस, हम कंट्री हाउस के हर किसी की हिफाजत करेंगे। गाइस, क्या रैट्स कुछ डिसाइड नहीं करेंगी? वो यहाँ मेन नहीं है, समझे? यहाँ बनीस मेन है और हमारा फैसला आखिरी होगा। सुनिए जरा, मेरा परिवार और मैं जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने इस उपेक्षित चिड़ियाघर को बचाने का फैसला लिया है। इन सभी जानवरों का ध्यान रखने के लिए हमारा गेम डाउनलोड करें और हमें इस दुनिया का सबसे अच्छा चिड़ियाघर बनाने में मदद करें। मैं आपसे गेम में मिलता हूँ। लाला, नो, बास्केटबॉलर्स को कंट्री हाउस से बाहर निकालना अच्छा आइडिया है, लेकिन हर कोई ने पसंद करता है और कोई उनके अगेंस्ट वोट नहीं करेगा। याना, तुम्हें सच में लगता है कि जीनियस लाइला ने इसके लिए कुछ सोचा नहीं है? तुमने कुछ सोचा है? बास्केटबॉलर्स के खिलाफ बहुत सारे वोट्स होंगे। लाइला, तुम जीनियस हो और बनीस बास्केटबॉलर्स के बिना टूटे सितारों की तरह होंगे। हाँ याना, तुमने सही कहा, बास्केटबॉलर्स के बिना बनीस बनीस नहीं होंगे। फिर कूल और पीसफुल होगा ब्लू हाउस में भी, और लूजर्स कंप्लेन नहीं करेंगे कि बास्केटबॉलर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। या ना, कोई बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं होंगे और हम सबको लाइन पर लाएंगे, और हम बनीस को भी लाइन पर लेके आएंगे और वो हमारे कंट्रोल में होंगे। ऑल राइट कल, पर तुम कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, बोलने का काम मेरा रहेगा और तुम मुझे फॉलो करना। ओके, मैं हर टाइम कहती रहूंगी हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं याना, ये करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम सब कुछ खराब कर दोगे। ओके सेनिया, तुम्हें पता है आज वोटिंग है और हम किसके अगेंस्ट वोट करेंगे? अगेंस्ट बनी। हाँ, और ये किकी मोर्स कहाँ है? वो शायद अभी तक शावर में है। किकी मोर्स कौन है? ब्लॉन्डी, अगर तुमने एक बार और हमें ऐसे बुलाया ना तो तुम किकी मोर होगी। बहुत हुआ हमारा इंसल्ट। ऑलराइट गर्ल्स, गुस्सा मत करो, मुझे पता था तुम लोग सुन रहे हो। आज वोटिंग है, तुम्हें पता है ना किसके खिलाफ वोटिंग होनी चाहिए? जेलिना और कॉस्टिया के खिलाफ, वो बहुत अनोइंग है। और मैं तो लॉरेन और डीमा के खिलाफ करूंगी, दे आर सो अनोइंग। क्या डीमा, क्या लॉरेन, हम बनीस के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अनोइंग और कोई नहीं है। गर्ल्स, इट्स आवर चांस उन्हें कंट्री हाउस से बाहर निकालने का। एंड दैट्स इट, हम होंगे यहाँ के क्वींस। क्वीन फ्रॉग्स। ओके, बनीस के खिलाफ तो बनीस के खिलाफ, मैं तो फुटबॉलर्स को भी बाहर निकालना चाहती हूँ।
हम अगली वोटिंग में फुटबॉलर्स के खिलाफ वोट करेंगे, पर इस वोटिंग में हम बनीस के अगेंस्ट वोट करेंगे। याद रखो, बनीस के अगेंस्ट। ओके, याद रखेंगे। हमारी याददाश्त अच्छी है। ओके गाइस, बहुत हो गया। अब कंट्री हाउस में वोटिंग होगी और ये वोटिंग तुम में से कुछ के खिलाफ होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे खिलाफ कोई भी वोट नहीं करेगा। वो हमारे खिलाफ वोट करने से डरेंगे। बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए वोटिंग की क्या जरूरत है? मैं मानता हूँ हमें पहले ही वोटिंग करनी चाहिए थी, और इसलिए ब्लू हाउस में ज्यादा जगह होगी। हाँ, यहाँ बहुत कंजेस्टेड है और हम ऐसे ही रह रहे हैं। अगर इतना ही कष्ट हो रहा है तुम्हें तो कोई रोक नहीं रहा है तुम्हें। तुम बिल्कुल फ्री हो। तुम बहुत चालाक हो फुटबॉल खिलाड़ी। हम लूजर्स को सपोर्ट करते हैं। तुम जानते हो मेरा वोट तुम्हारे खिलाफ होगा और मेरा भी। हम डर गए। मेरा विश्वास करो, फुटबॉलरों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, लूजर्स बाहर जाएंगे। आई बात समझ में? इनको इस तरह लड़ते हुए देखने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, मेन बात यह है कि हमारे खिलाफ कोई वोट नहीं देगा, इतना दम नहीं उनमें। गाइस, इतने भी कॉन्फिडेंट मत रहो, वोटिंग किसी के भी खिलाफ हो सकती है। तो ब्लू हाउस के निवासियों, वोटिंग के लिए तैयार रहो। तो लड़कों, सुना तुम लोगों ने, किसी के भी खिलाफ वोटिंग कर सकते हो। हाँ, मुझे तुम लड़कों पर दया आ रही है। आज किसी को बाहर निकाला जा सकता है और ये होकर रहेगा। वो तुम ही लोग हो, तुम बास्केटबॉल प्लेयर्स ही यहाँ पर। और गाइस, वोटिंग डिसाइड करेगा सबकी डेस्टिनी। तो वोटिंग डिसाइड करेगा। ऐसा है तो हम तुम्हारा सामान पैक करने में मदद करेंगे। दीमा, तुम्हें क्या लगता है किसे बाहर निकालेंगे? हाँ, लूजर्स और कौन। ये ठीक है, कल हम उनका नाश्ता करेंगे। और क्या क्या देख रहे हो? मैं अपनी आखिरी सांस तक कंट्री हाउस में अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, जरूर, तुम्हारी आखिरी सांस तक। हाँ, देख लेना, आखिरी सांस तक। रिलैक्स ब्राउज, वो इसलिए घबरा रहे कि वो निकलेंगे। सो गाइज, आई थिंक रैट्स बाहर निकालना चाहते हैं या तो हमें या फिर बास्केटबॉलर्स को। डैम, हमें क्यों? कुछ लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते और वो लोग हैं रैट्स। कैन यू इमेजिन? बनीस, दुखी मत हो, अगर वोटिंग तुम्हारे खिलाफ भी हुई तो भी तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है। हाँ, हमारा घर, लेकिन अगर ज्यादा लोगों ने हमारे अगेंस्ट वोट किया तो हमें जाना होगा। इट्स अ शेम। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ क्योंकि फिर हर कोई यही कहेगा, बनी पूरे कंट्री हाउस ने तुम्हारे अगेंस्ट वोट किया। दैट्स व्हाई आई केम अप विद समथिंग। हम इन सारे पेपर्स पे लिखेंगे याना और लैला। गुड आइडिया, पर हम वोट्स का पूरा पैक कैसे थ्रो करेंगे? वो लोग नोटिस कर लेंगे। हमें वोट्स वाले बॉक्स ढूंढने होंगे और पहले से ही उनमें ये वोट्स डाल देने होंगे। वो बॉक्स तो याना और लैला के पास होगा और ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैस्कॉट बनी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेट्स गो, वी शुड डू इट। डैम, ये डरावना है। हमें ये करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता रैट्स के माइंड में क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। गर्ल्स, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं एडवाइस दूंगी कि तुम गनीस के साथ ट्रबल में मत जाओ। कोच अभी, ये एक फेयर वोटिंग होगी और टीनेजर्स की अपनी चॉइस होगी जिसे वो कंट्री हाउस में नहीं देखना चाहते हैं। हमने अपने वोट्स तैयार कर लिए और हमें पता है कि हमें किसके खिलाफ वोट करना है। कुछ वोट तो हैं जो हमें अनॉय करते हैं, जिन्हें कंट्री हाउस से निकाल देना चाहिए। हम बहुत खुश हैं फुटबॉल प्लेयर्स। ऑलराइट, तो क्या बाकी सब ने अपने वोट्स तैयार कर लिए हैं? हमने कर लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है हर कोई लूजर्स के अगेंस्ट वोट करेगा। नहीं, लूजर्स नोटिसेबल नहीं है, यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग ज्यादा नफरत करते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करते। मुझे समझ नहीं आ रहा हमें किसके अगेंस्ट वोट करना है। हर कोई यहाँ कूल है, वोटिंग करनी ही क्यों है। रिसेंटली कंट्री हाउस में बहुत ज्यादा मैस हो गया था, इसलिए ये वोटिंग हो रही है ताकि बाकियों को ये पता चल सके कि बुरे बिहेवियर के लिए उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। लिसन रैट्स, व्हाट डिड यू कम अप विद? किस तरह की वोटिंग? तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, तुम बहुत बोर हो चुके हो। ये रहे बन्नीस, बैठ जाओ और तुम लोग वोट करोगे। वेयर इज द वोट बॉक्स? भरोसेमंद हाथों में डायना। लड़कियों, लगता है कुछ भी नहीं होने वाला। आई कैन सी मैस्कॉट। हम वोटिंग के लिए आए हैं। हेलो लड़कियों। हेलो बॉयज। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। वोट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ना, हमने कुछ लेट तो नहीं हुए ना। गाइस आ जाओ, वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। गाइस जल्दी करो, कंफर्टेबल जगहों में बैठ जाओ। गाइस तुम सब जब वोट करो तो सही डिसीजन लेना, उनका चारा मत लेना। उनके लिए वोट करना जो कंट्री हाउस में बुरा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, मेरी गर्ल्स ने सही कहा। ऑलराइट, और बातें नहीं। गाइस अपने साथ अपने वोट लेकर आए और उन्हें पता है किसे वोट करना है। चलो वोटिंग शुरू करते हैं। पहला वोट हमारा है। सकार, रोमियो, स्माइल। लूजर्स, हम तुम्हें मिस करेंगे। बाय बाय। पीसाइस, सेलिना। डैम, मैं नर्वस हूँ। पिज़ा, तुम्हें लगता है कि हमारे खिलाफ कोई वोट करेगा? अगर किसी ने किया तो वो लॉरेन होगी, वो हमेशा और खाना मांगती है और हम ना कह देते हैं। थॉमस और ब्रोस, सो तुम्हारा वोट। फ्रॉक्स गर्ल्स, फुटबॉल।
कॉलर्स। ये रहा हमारा वोट। इतनी शांति, सो स्कैरी। हाँ, देखते हैं कंट्री हाउस से कौन बाहर जाएगा। एबी और टीचर माइक, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा गर्ल्स तुम्हारा वोट। रैट्स, अपने वोट्स काउंट कर लो। फाइनली बहुत जगह मिलेगी और नहाने के लिए लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ। तो गाइस चलो वोट काउंट करते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स, लूजर्स, बानी, बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, ये बकवास है। सेलिना, लूजर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, लूजर्स, फिर से बास्केटबॉल प्लेयर्स, ओ फ्रॉक्स, और तुम्हारे पास क्या है लाला? बास्केटबॉल प्लेयर्स। मेरे पास भी बास्केटबॉल प्लेयर्स है। ए, लूजर्स, क्या तुमने हमारे खिलाफ वोट किया है? चिल आउट और चुपचाप रिजल्ट सुनो। और फिर से बास्केटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, और लास्ट वोट बास्केटबॉल प्लेयर्स। हाँ। यस, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन। सच में? ओह वेट, इट्स नॉनसेंस। क्या तुम सबने बास्केटबॉलर्स के लिए वोट किया? हे वेट, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि रैट्स ने वोटिंग के रिजल्ट्स में गड़बड़ी की है। बनी, रिलैक्स। आई नो ये पेनफुल है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। बास्केटबॉल प्लेयर्स अपना सामान बांध लो, बहुत ज्यादा वोट्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं। माइक, इट्स नॉनसेंस। अब मैं क्या करूं, कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है। हम यहां से कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, तुमने सुना, बास्केटबॉलर्स नहीं जाएंगे। Our boys are staying. पुलिस ऑफिसर जॉर्ज, बास्केटबॉल प्लेयर्स की मदद करो सामान पैक करने में। तो बास्केटबॉल प्लेयर्स तुम लोग जा रहे हो कंट्री हाउस छोड़कर? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स, अब कंट्री हाउस में तुम्हारा टाइम खत्म होता है। That's what I want to tell all of you. अगर यहाँ से बास्केटबॉलर्स जाएंगे तो फिर बनीज भी जाएंगी। अगर बनीज जाएंगे तो कंट्री हाउस सारे टीनेजर्स के लिए बंद हो जाएगा। ज्यादा ऊ मत करो, तुम लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया और बास्केटबॉलर्स के अगेंस्ट वोट किया। हम सबको पता है कि हम बास्केटबॉलर्स के साथ खड़े रहेंगे। गुड गर्ल्स, गुड जॉब माय गर्ल्स। एबी, क्या कर रही हो? प्राउड ऑफ गर्ल्स। हाँ, अच्छा होता बनीस बाहर जाते ना कि बास्केटबॉल प्लेयर। इट्स फाइन, बास्केटबॉलर्स आर आउट ऑफ प्लेस टू। तुम्हें दिख रही है सब कुछ कहाँ जा रहा है, कंट्री हाउस बंद हो जाएगा। बनीस, ये गेम है रूल्स के अगेंस्ट। टीनेजर्स ने बास्केटबॉलर के अगेंस्ट वोट किया, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और पर्सनली मुझे रैट्स पे शक है। सो रैट्स, अगर ये वोटिंग फेयर थी तो फिर बॉक्स दो, हम सारे वोट्स काउंट करेंगे। गुड आइडिया, मैं डायना के साथ हूँ। कौन कौन डायना को सपोर्ट कर रहा है? हम सपोर्ट करते हैं। नहीं, कल वोट किसने किया ये नहीं पता चलना था, तो मैं तुम्हें बॉक्स नहीं दूंगी। लैला, प्रॉब्लम क्या है? अगर वोटिंग ऑनेस्ट थी तो डरने की कोई बात नहीं है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बॉक्स नहीं दूंगी। नहीं लैला, बॉक्स में दे दो। ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे फॉलो करो और परेशानी खड़ी मत करो। सो रैट्स, क्या तुम मुझे बॉक्स दोगी? या फिर वोटिंग में चीटिंग हुई है? ऑल राइट, बास्केटबॉलर्स को रुकने दो, लेकिन मैं तुम्हें बॉक्स नहीं दूंगी, वोटिंग गुमनामी वाली थी। नो लाला, तुम बॉक्स दोगी। लेट्स काउंट द वोट्स। लेकिन बास्केटबॉलर्स, अगर वोटिंग ऑनेस्ट है तो तुम्हें कंट्री हाउस छोड़कर जाना होगा। विल हेल्प करेंगे। या ना, सब खत्म हो गया। क्यों, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने किया है? या ना, तुम कितनी बेवकूफ हो। हाँ, मैं शॉक्ड हूँ, वोटिंग खत्म हो रही है लेकिन बनीस प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। मैं उनके बॉयज को बाय नहीं बोलना चाहती। हम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बनी गर्ल्स हमारे साथ हैं। तो हमने काउंट किए, बास्केटबॉलर्स के खिलाफ 35 वोट्स हैं, बनी के अगेंस्ट 15 और बाकियों के अगेंस्ट भी 15। That's really weird, क्योंकि कंट्री हाउस में तो सिर्फ 30 लोग ही हैं। इंटरेस्टिंग, तो फिर वो 35 लोग कौन हैं जिन्होंने बास्केटबॉलर्स के खिलाफ वोट किया? क्या किसी ने हमें फंसाया है? 100% कोई हमें बाहर निकालना चाहता है। लड़कियों, सच बताओ, तुम लोगों ने गड़बड़ की है ना? क्या टीचर माइक, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपकी राइट हैंड पे मैं हमेशा ऑनेस्टी और जस्टिस के लिए खड़ी होती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब मैं क्या करूँ, बास्केटबॉल प्लेयर्स को सामान पैक करने में मदद करूँ? नहीं, इस सिचुएशन में हम रैट्स को उनका सामान पैक करने में हेल्प करेंगे। गर्ल्स, याना और लैला, तुम हमेशा सब कुछ मैसअप करने में क्यों लगी रहती हो? तो गाइस, तुम हमारे अगेंस्ट हो? हाँ, तुम एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट हो? हाँ, फॉलो करना बंद करो, तुमने ही कहा था मुझे करने के लिए। डैम, रैट्स बास्केटबॉलर्स को बाहर निकालना चाहते थे। ये उनका स्वभाव है। बास्केटबॉलर्स, रिलैक्स, तुम यही रहोगे क्योंकि वोटिंग के बारे में अनाउंस होने वाला है कि वो नॉट फेयर।
तो मैं किसको बाहर निकालूं? रैट्स। लड़कियों, तुम दोनों ने एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जिसमें तुम खुद गिर गए हो। मैस्कर, तुम ध्यान देना कहीं तुम इस गड्ढे में ना गिर जाओ और नीचे। तो गाइस, रैट्स के साथ एक लास्ट डिनर ऑर्गेनाइज करो। लिसन रैट्स, तुमने ऐसा क्यों किया? बनी, हम तुम्हें समझ गए। हाँ, या ना तुमने एक बार और हाँ बोला तो मैं तुम्हें पंच करूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि रैट्स के साथ फाइनल डिनर ऑर्गेनाइज करने की कोई जरूरत नहीं। कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं। याना, रोना बंद करो, हमें इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ, उन लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है। याना, मेरे पास एक और प्लान है, लेट्स गो। मैंने अपने राइट हैंड से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी फेवरेट गर्ल चालू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्हें बास्केटबॉल प्लेयर्स पसंद नहीं है। You're idiot, Mike. So guys, जो वोट में गड़बड़ करेगा या फिर कुछ गलत करेगा कंट्री हाउस में किसी के भी खिलाफ, इस पूरी कंट्री हाउस में किसी के भी खिलाफ, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ गए? समझ गए। हाँ, मैं निराश हो गया पूरा। So I'm suggesting कि हम चलकर डिनर करें जब तक रैट्स अपना सामान बांध रही है। गाइज, आप कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल बटन और वेट कीजिए हमारे नए कूल सीरीज का। मिलते हैं जल्दी सबसे। कभी भी कुछ बुरा मत करना, मैं लौट कर आऊंगी। बाय बाय। For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record.